नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी दोस्तों। आज की जो हमारी वीडियो है, इस वीडियो में बताएंगे कि हमने जो कटिंग्स लगाई थी उन कटिंग्स की अपडेट, और ये जो टाइम चल रहा है मानसून का सीज़न है, प्लस जुलाई का भी मंथ है, जुलाई बीतने वाली है, तो मैंने कुछ कटिंग्स भी लगाई थी, और अगर आप लोग भी लगाना चाहते हैं तो उसके बारे में बताऊंगी भी, कौन सी कटिंग आप अभी तैयार कर सकते हैं, कुछ कटिंग भी लगाना बताऊंगी, ये सारी चीज़ें हैं। तो फिलहाल दोस्तों मैं दिखा दूँ, ये हमारा देख सकते हैं टिकोमा ही है, ये टिकोमा बुश है ये, और अभी न्यू ऐड हुआ है गार्डन में, बहुत ही अच्छा है, हेल्दी प्लांट है। कलर देख सकते हैं आप, येलो और मरून कलर है, बहुत ही प्यारे लग रहे हैं हेल्दी प्लांट से, और इसको मैंने कल ही परचेज़ करके लाया है, छोटे से 6 इंच के पॉट में लगा हुआ है। तो फिलहाल इसकी भी कटिंग लगती है, अगर आप लोग को कहीं ये प्लांट दिखे तो ज़रूर कटिंग लगा लें। इस टाइम रेनी सीजन में ना बहुत ही जल्दी इसकी कटिंग लग जाती है, इनमें बहुत से कलर आते हैं, येलो, ऑरेंज, पिंक, और ये वाला आप देख ही रहे हो, तो इनको आप ज़रूर कटिंग ग्रो करना चाहते हैं तो ज़रूर करें। यहाँ पे दोस्तों देखिए, मैंने कुछ दिन पहले लैंड लोटस की कटिंग लगाई थी, प्लांट हमारा ग्राउंड पे लगा हुआ था, वहाँ पे वो प्लांट ख़राब हो रहा था बारिश की वजह से या कोई भी रीजन रहा होगा, तो वहाँ की जो मोटी मोटी स्टेम्स होती ना वो हमने ली हुई थी। स्टेम की साइज़ बता दूँ 2 या 2.5 इंच की है हाइट, मैंने लंबाई जो है वो कम से कम 12 या 13 इंच की ली हुई है, तो 3 या 4 कटिंग लगाई थी, जिसमें से 3 कटिंग सक्सेस है। पत्तियां आ रही है, आप देख सकती हो न्यू मतलब पत्तियां निकल रही है। तो ये सीमेंट का गमला है, उसमें लगाया गया है। सॉइल बता दूं, बिल्कुल जो गार्डन सॉइल होती है प्योर वो है, प्लस गोबर की खाद, ये 2 चीज़ मिला के कटिंग लगी है। और इसमें और भी कुछ पौधे उगे हुए हैं, कटिंग्स मतलब मैं होती हूँ ना गमले में गाड़ देती हूँ, तो उसी तरीके से कटिंग जितनी भी लगी, अब सूखी हुई लग रही होगी पर सूखी नहीं है, पत्तियाँ सिर्फ मुरझाई हुई हैं। तो यहाँ पर लॉन लोटस की मैंने कटिंग लगाई, अगर आप लोग को अभी ग्रो करना है तो ये टाइम बेस्ट है, ग्रो कर सकते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर देखिए, मैंने कुछ दिन पहले जो होता है ना गुलदावदी क्रैसेंथेमम, सीजन का प्लांट होता है ये, सर्दियों में बहुत अच्छे से खिलता है। अगर सर्दियों की जो स्टार्टिंग में फ्लावरिंग होती है ना, तो हमारा ये गुलदावदी होती है। अगर आप लोगों के पास तो झटपट कटिंग लगा ले, ये बहुत सही टाइम है इन सब की कटिंग लगाने का। तो यहाँ पे ढेरों सारे मैंने कटिंग्स रेडी करे हुए हैं, और मतलब 12-13 इस तरीके से टोकरियाँ जो मतलब आती नहीं सब्जी रखने के वाली, वो वाली टोकरियों में मैंने ग्रो किया हुआ है, इस तरीके से नीचे भी रखा हुआ है, रैक है, रैक पर रखा हुआ है। होता क्या है, कुछ कटिंग ख़राब हो जाती है, कुछ सही हो जाती है, तो ये टाइम ही लगा लीजिए दोस्तों। सीजन से पहले आपको अच्छे से फ्लावरिंग मिल जाएंगी, प्लांट भी घना होता जाएगा। तो अगर आपको चाहिए कटिंग तो आप मुझे इंस्टाग्राम पे मैसेज कर सकती हैं गुलदावदी की, तो ये सारी कटिंग देख सकते हैं तैयार करके यहाँ पे रखी हुई है। तो गुलदावदी की कटिंग दोस्तों कोई भी वैरायटी हो, देसी, हाइब्रिड, मिनिएचर जो भी हो, फटाफट आप अभी ग्रो कर लें। नेक्स्ट यहाँ पे दोस्तों हमारा है कलांचो। कलांचो यहाँ पे मैंने देसी और हाइब्रिड दोनों लगाया हुआ है, देख सकते हो अभी मैंने बास्केट जो वेस्टेज होती नहीं है वेजिटेबल वाली बास्केट, उसमें मैंने कटिंग लगाई हुई है। देसी है, हाइब्रिड है, दोनों वैरायटी है। देसी में मेरे पास सिर्फ रेड ही कलर है, और हाइब्रिड में येलो, ऑरेंज और रेड है, 3 कलर है, और भी थे। बारिश में दोस्तों वो प्लांट ख़राब हो गया है, लास्ट सीजन में ख़राब हो गया था, तो ये सारे हैं। अभी देखिए इधर भी लगा हुआ है, और भी लगा हुआ है, आगे वीडियो में बताऊंगी या इस दूसरी वीडियो में भी शेयर करूंगी अगर इस वीडियो में नहीं रहा तो। तो प्लांटों की भी कटिंग दोस्तों फटाफट आप लगा सकते हैं, बहुत ही बढ़िया टाइम है इनको ग्रो करने का, ज़्यादा बड़ी कटिंग नहीं लगती है, 2 या 3 इंच की कटिंग लगती है। तो इन सब की कटिंग अभी आपको इस सीज़न में जुलाई के मंथ में ज़रूर ग्रो करें। सॉइल बिल्कुल गार्डन की नॉर्मल सॉइल में भी लगा सकते हैं। यहाँ पर नीचे पौधों उसको भी कटिंग ग्रो करी गई, क्योंकि थोड़ा सा प्लांट ख़राब हो रहा था, हैंगिंग बास्केट में लगा हुआ था, टूट रहा था, तो यहाँ पे लगा दिया गया है। सेम वही दोस्तों प्लांटर है जो वेजिटेबल वाले आते नहीं, 20 या 25 रुपये में इस तरीके से बास्केट्स मिल जाते हैं, तो उसमें इनको लगाया गया है। ज़्यादा इनकी बड़ी कटिंग नहीं लगी दोस्तों, 2 या 3 इंच की कटिंग होती है, जिसमें लीव्स हो, नोड निकली हो, वो वाली कटिंग मिट्टी में दबा देंगे, अच्छे से चल जाएगी। सॉइल की अगर मैं बात करूँ, सॉइल बिल्कुल दोस्तों वेल ड्रेन होनी चाहिए,
रेतीली सॉइल हो, उसमें एक हिस्सा सैंड, एक हिस्सा गार्डन सॉइल, एक हिस्सा आपको को पीट या राइस हस्क मिला सकते हो। ये मिला के आप कटिंग लगा सकते हैं। नेक्स्ट यहाँ पे दोस्तों मैंने रियो की कटिंग ग्रो करी हुई देख सकते हैं। और ये दोस्तों जो कॉमन तौर पे आप लोग को देखती होगी लगे हुए वो वाले हैं, तो वैसे मेरे पास रियो की 3 वैरायटी है, इसमें से एक ये है। ये मतलब ये वाली नहीं थी, लेकिन बहुत मुश्किल से मैंने गार्डन में ऐड किया, तो अभी होता नहीं कि एक कटिंग आ जाती है तो उनसे धीरे कटिंग तैयार कर लेते हैं। तो उनमें से ये एक कटिंग है। अगर आपके पास ये प्लांट है दोस्तों तो ज़रूर लगाएं, बहुत ही प्यारे कलर्स में आते हैं, पर्पल और ग्रीन कलर रहता है, इन दोनों का कॉम्बिनेशन जो होता है कुछ अलग ही रहता है। अगर हमारे गार्डन में फ्लावर नहीं, हर ये प्लांट जो होते हैं दोस्तों अलग से ही हमारे गार्डन की खूबसूरती बढ़ाते रहते हैं। कटिंग के लिए ज़्यादा बड़ी कटिंग नहीं चाहिए होती है, आप कोई कह दो इसकी कटिंग ही काफ़ी रहेगी, बस मिट्टी में इनको दबा दीजिएगा, आसानी से लग जाते हैं रियो का प्लांट। नेक्स्ट यहाँ पे है दोस्तों हमारा चैन प्लांट है। तो जब मैंने फर्स्ट टाइम गार्डन में ऐड किया था तो इतनी ही बड़ी कटिंग थी, और आज मैंने फिर से उतनी ही बड़ी कटिंग से यहाँ फिर से रेडी किया है। फिलहाल वो प्लांट अभी मेरा बहुत ज़्यादा बड़ा हो गया है और उसी का रनर से यहाँ पे मैंने रेडी किया हुआ है। 6 इंच के पॉट में लगाया हुआ है, मिट्टी का क्ले पॉट है मेरा। और सॉइल की बात करूँ तो बिल्कुल नॉर्मल सॉइल है गार्डन की। अगर आप सबको इन सारे प्लांट की कटिंग दोस्तों ग्रो करनी है तो अभी कर सकते हैं, बेस्ट टाइम है। अभी 1-2 महीना हमारा है रेनी सीजन का, यहाँ तक कि सितंबर तक बारिश होती है, लेकिन बेस्ट टाइम जो होता है ना ये जुलाई अगस्त बेस्ट है कटिंग लगाने का। तो बिना चूके आप इन सारे प्लांट्स की कटिंग ज़रूर लगाएं। एक बार लगा देंगे ना तो आपको दोबारा गार्डन में लाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। नेक्स्ट यहाँ पे दोस्तों हमारा हमेलिया है। हमेलिया अगर बात करूँ तो ये फायर वॉश के नाम से जाना जाता है। इसमें छोटे छोटे से फूल आते हैं, कभी कभी तो ऐसा होता है कि पत्तियाँ बिल्कुल भी नहीं दिखती हैं, इतने फूल आते हैं। और अगर फूल नहीं आते तो इनकी पत्तियाँ ही इनकी खूबसूरती बढ़ा देती हैं। इस तरीके से इसमें रेडिश से रहते हैं और बहुत ही प्यारे लगते हैं। और इसको मैंने 3-4 बार गार्डन में ऐड किया, बट क्या होता है ना कि प्लांट ख़राब हो जाता है। जिसको हम ज़्यादा मतलब प्लांट को प्यार करते हैं, केयर करते हैं, वो प्लांट जल्दी हमारे गार्डन में ख़त्म होते हैं। तो फिलहाल मैं कटिंग लगाना बताती हूँ। यहाँ पर मैंने 3-4 इंच की कटिंग ली हुई है। सॉइल की बात करूँ, सॉइल फिलहाल बारिश में भीगा हुआ है, तो ये हमारी जो सॉइल है सैंडी सॉइल है। बस इसमें थोड़ा सा एलोवेरा जेल लगाइए और आराम से आप मिट्टी के 1-2 इंच लगा दीजिए इस तरीके से। और थोड़ा सा मिट्टी के लिए तो ढीली हो जाती है तो दबा देना चाहिए उंगलियों से, ताकि आपकी कटिंग ही लेना। कटिंग को ऐसी जगह पे रखें जहाँ पर छाया हो, मतलब यानी कि दोस्तों वहाँ पे छाया रहे पौधों के बीच में या पौधों के नीचे रखेंगे ना तो बहुत आसानी से ये कटिंग आपकी लग जाएगी। अभी रेनी सीजन है तो ये बेस्ट टाइम है इनको ग्रो करने का। और यहाँ पे नेक्स्ट हमारा है दोस्तों बहुत ही खूबसूरत सा हमारा बेबी सन रोज़। बेबी सन रोज़ को दोस्तों थोड़ा सा बारिश में बचा के रखिएगा, क्योंकि ये सकुलेंट फैमिली से बिलोंग करते हैं। पानी ज़्यादा हुआ प्लांट तुरंत मर जाएंगे, ये चीज़ ध्यान रखिएगा। और देखिए मैंने कटिंग कुछ दिन पहले लगाई थी, बहुत अच्छे से इसमें जड़ आई हुई है, देख सकते ज़्यादा नहीं है बट आ गई है। ये बिल्कुल जैसे हमारे मोसरूज या पार्सली ने पोच लगा होते हैं ना, सेम उसी तरीके से ये है। तो अगर आपको इनकी कटिंग ग्रो करनी है ना तो ये बेस्ट टाइम है इनको कटिंग से ग्रो करने का। तो फटाफट से जाके आप इनकी कटिंग लगा लें, बहुत ही आसानी से लगने वाले पौधे होते हैं। इनकी दो वैरायटी आती है, प्लेन जो ग्रीन होती है, ये एक वेरिएटेड वाली है। तो फ्लावर सिर्फ दोनों में पिंक ही आते हैं, वाइट भी आते हैं और रेड भी रहते हैं, लेकिन ये पिंक वाले हैं। यहाँ पे मैंने कोलेस कटिंग से लगाया था, कोलेस भी हमारी दोस्तों 100% ग्रो हो गई है। तो देख सकते हैं जड़ अच्छे से आई हुई है, थोड़ा सा टाइम लगता है बट आ जाती है, देखिए कितनी अच्छे से लग गई है। तो ये जो मरून और ग्रीन कलर का है देख सकते हैं, और आसानी से लगने वाले हैं। कोलेस की हमारे पास 6 वैरायटी है, 6 को मैंने कटिंग से ऐड किया है। और एक बात बता दूं दोस्तों, कोलेस को मैंने ख़रीदा नहीं है कभी भी, मैं कटिंग से चाहे नर्सरी वाले से मांग कर या फिर पड़ोस से लेकर या खुद अगर गार्डन में है तो गार्डन से भी मैं तैयार कर लेती हूँ। और कोलेस ऐसा पौधा होता ही दोस्तों, आप बस मिट्टी में दबा दें, नमी मिल जाए, कटिंग तैयार हो जाती है। बस ओवर वाटरिंग से उनको खतरा होता है, उनसे बचा के रखेंगे तो आपके जो कोलेस की कटिंग है कभी भी ख़राब नहीं होनी है। बस इन चीज़ों का ध्यान रखिएगा। और कोलेस तो दोस्तों होता ही है कलरफुल, फूलों की भी ज़रूरत नहीं है ना ज़्यादा केयर की,
ना ज़्यादा धूप की, बस ला के आप साइड में रख दीजिए, आपका प्लांट अच्छे से चलता रहेगा और आपका गार्डन भी रंग बिरंगा दिखता रहता है। और दोस्तों ये हमारा मैक्सिकन पेटूनिया जो कि मैंने कुछ दिन पहले कटिंग से ही लगाया था, और देखिए कलियां भी आने लगी है। ये पिंक वाली हाइब्रिड मैक्सिकन पेटूनिया है। अगर आपको कटिंग से ग्रो करना है तो ये बेस्ट टाइम है। वैसे ये रेनी सीजन में ना बहुत ही ज़्यादा अच्छे से खिलते हैं। तो फिलहाल आपको मैं रूट्स दिखा दूँ इसमें, कितने अच्छे से देखिए रूट्स आई हुई है ये देखिए। तो मतलब इसकी कटिंग में ना बहुत ही जल्दी लग जाती है, किसी चीज़ का इंतज़ार नहीं करना पड़ता, बस आप कटिंग लगा दीजिए मिट्टी में, 2 या 3 दिन में रूट बनना शुरू हो जाती है बिना देरी के झटपट से। दोस्तों मैक्सिकन पेटूनिया को भी जरूर लगाएं, देसी हाइब्रिड दोनों आती है। और देसी वाले में आपको एक कलर दिखेगा वो भी ब्लू, और आप हाइब्रिड वाले में आपको ब्लू पिंक वाइट 3 कलर देखने को मिल जाएंगे। ये बंचेस में खिलते हैं, ड्वार्फ रहते हैं यानी कि छोटे से रहते हैं, देखने में बहुत ही प्यारे लगते हैं। तो फटाफट से इनकी भी कटिंग दोस्तों लगाना बिल्कुल ना भूलें। नेक्स्ट में यहाँ बात करूँ दोस्तों तो हमारा ये है खूबसूरत सा स्पाइडर प्लांट। स्पाइडर प्लांट की दोस्तों बहुत सी वैरायटीज़ आती है। ऐसे फिलहाल मेरे पास 3 ही वैरायटी है जिसमें से एक ये वाली है। फिलहाल ये आप जो देख रहे हो ये है रनर्स। रनर्स से दोस्तों कटिंग भी बहुत ही आसानी से लग जाती है। एक ही प्लांट में आपको 10-12 एक रनर्स में आपको 10-12 पौधे बना सकते हैं। देखिए इस तरीके से छोटे छोटे से बस ऐसे आप उठा के मिट्टी में दबा दीजिए, प्लांट आपका बनना शुरू हो जाता है। तो ये रनर्स से मैंने यहाँ पे कटिंग लगा ली है, तो आप लोग को भी अगर लगाना है तो ये बेस्ट टाइम है दोस्तों, क्योंकि गर्मी के टाइम में जितने भी स्पाइडर प्लांट्स हैं सारे सबके ख़त्म हो गए होंगे, तो लेकिन ये टाइम है इनको लगाने का। सो दोस्तों ये थी आज की हमारी वीडियो जिसमें मैंने आप लोगों को कुछ प्लांट की अपडेट्स बताई है, कुछ प्लांट की कटिंग लगाना बताई है। अगर आप लोगों ने नहीं लगाई है तो झटपट से जाके कुछ इन पौधों की कटिंग जरूर ग्रो करें। वीडियो अगर अच्छी लगी हो आप लोगों को तो वीडियो को लाइक करें, और चैनल को हमारे सब्सक्राइब करना बिल्कुल न भूलें, साथ में बेल आइकन भी प्रेस कर दें ताकि जब मैं इस तरीके की वीडियो आप लोगों के साथ शेयर करूं तो नोटिफिकेशन सबसे पहले आप लोगों को मिल सके। मिलते हैं दोस्तों नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए आप सभी अपना ख्याल रखिएगा। हैप्पी गार्डनिंग।